नमस्ते दोस्तों, आज हम राजनीतिक पार्टी के मामले में त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग के समस्या के बारे में बात करेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन सी राजनीतिक पार्टी इंडिजिनस लोग के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। जब राजनीतिक पार्टीज की बात आती है तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनमें भूमि संबंधित समस्याएं, अपनी संस्कृति को संरक्षित करना, अपने पहचान के लिए पहचाने जाना और अपने समुदाय का विकास करना शामिल है। इसलिए त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग का सही राजनीतिक पार्टी का चुनाव करना वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम जानेंगे त्रिपुरा के इन तीन मुख्य राजनीतिक पार्टी CPIM, BJP और त्रिपुरा मोथा में से किसने सबसे ज्यादा इंडिजिनस लोग के लिए काम किया है। Mr. Sarkar was the solo poster boy of the left campaign. Prime Minister Narendra Modi's third rally in Tripura, wrapping this up here in Agartala. तो चलिए पहले राजनीतिक पार्टी CPIM के बारे में बात करते हैं। CPIM ने 1978 से लेकर 2018 तक लंबे समय तक त्रिपुरा पर शासन किया है। उनके शासन के दौरान पार्टी को राज्य के इतिहास और रॉयल फैमिली को मिटाने का काफी आरोप लगा है, क्योंकि इनके शासन के दौरान उन्होंने सड़कों और इमारतों का नाम बदल दिया जो त्रिपुरा रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई थी या जिनका ऐतिहासिक महत्व था। उदाहरण के लिए उन्होंने अजंता पैलेस का नाम बदलकर स्टेट म्यूजियम कर दिया जो त्रिपुरा रॉयल फैमिली का घर हुआ करता था, और उन्होंने अगरतला शहर का नाम भी बदल दिया त्रिपुरा के रॉयल फैमिली ने स्थापित किया था। CPIM त्रिपुरा के इतिहास में रॉयल फैमिली के महत्व को कम करने के लिए स्कूल टेक्स्ट बुक में अक्सर रॉयल फैमिली को नजरअंदाज करते थे या नकारात्मक रूप में चित्रित करते थे। इसे देखकर इंडिजिनस लोग का CPIM का ये हरकतें पसंद नहीं आया, क्योंकि CPIM धीरे धीरे त्रिपुरा का इतिहास मिटा रहा था। इसलिए 2006 में अजंता पैलेस का नाम बदलने का विरोध हुआ और विरोध सफल हुआ। फिर नाम वापस अजंता पैलेस में बदल दिया गया और अपने आप को सही करने के लिए CPIM के स्टेट सेक्रेटरी बिजनदर ने पार्टी कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि वे सिर्फ पैलेस को मॉडिफाई कर रहे थे। त्रिपुरा के इतिहास और रॉयल फैमिली को मिटाने का CPIM के प्रयास सफल नहीं हुए। त्रिपुरा के लोगों को अपने इतिहास और रॉयल फैमिली पर गर्व है। चलिए अभी दूसरे मुख्य पार्टी BJP के बारे में बात करते हैं। 2018 में CPIM का त्रिपुरा में सत्ता खोने के बाद BJP की नई सरकार आई। तब से नई सरकार ने राज्य के इतिहास को रेस्टोर करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए अजंता पैलेस को रिनोवेट किया गया और अब ये जनता के लिए खुला है, और सरकार ने रॉयल फैमिली का अधिक सटीक चित्रण करने वाले टेक्स्ट बुक्स को भी पब्लिश करना शुरू कर दिया है। लेकिन BJP पर कॉकब्रोक भाषा को रोमन स्क्रिप्ट में स्वीकार न करके इंडिजिनस लोगों के साथ CPIM के जैसा ही कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। BJP 2018 से त्रिपुरा में सत्ता में है और तब से कॉकब्रोक के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट को पेश करने के लिए जोर दिया जा रहा है, और इसके विरोध में त्रिपुरा मोथा, आतिशा सहित कई संगठन उठकर आए हैं। BJP ने तर्क दिया है कि देवनागरी स्क्रिप्ट का भारत में अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और इससे कॉकब्रोक बोलने वालों के लिए देश के अन्य हिस्सों के लोगों के साथ संवाद करने में आसान हो जाएगा। हालांकि ज्यादातर कॉकब्रोक बोलने वालों का तर्क है कि देवनागरी स्क्रिप्ट कॉकब्रोक भाषा के लिए अनुकूल नहीं है और ये कि कॉकब्रोक बोलने वालों के लिए सीखना मुश्किल होगा। इससे लगता है कि BJP का यह कदम त्रिपुरा के इंडिजिनस लोगों के साथ राजनीतिक खेल खेलने का एक प्रयास है और ये त्रिपुरा के इंडिजिनस लोगों का अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे ही CPIM की सत्ता के दौरान उन्होंने कॉकब्रोक पर बंगाली स्क्रिप्ट थोपने की कोशिश की थी। बाद में CPIM को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन BJP ने इस आशंका को फिर से जगा दिया है कि त्रिपुरा के इंडिजिनस लोगों का आइडेंटिटी एक बार फिर से खतरे में है। BJP का यह कदम इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि पार्टी किस तरह त्रिपुरा के इंडिजिनस लोगों पर अपनी इच्छा थोपने का कोशिश कर रहा है। चलिए अभी बात करते हैं तीसरे मुख्य पार्टी त्रिपुरा मोथा के बारे में। ऐसा देखा गया है अन्य राजनीतिक दलों के विपरीत त्रिपुरा मोथा सही मायने में इंडिजिनस लोगों की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। आइए देखें कि त्रिपुरा मोथा इंडिजिनस लोगों के लिए कैसे बेहतर है। वर्तमान में हो रहे कॉकब्रोक को रोमन स्क्रिप्ट करने की मांग में त्रिपुरा मोथा पार्टी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हुई देखी जा सकती है। इसे हमें पता चलता है कि त्रिपुरा मोथा इंडिजिनस लोगों के अधिकारों के लिए कितना काम कर रहा है, और साथ ही साथ त्रिपुरा मोथा इंक्लूसिविटी, कल्चरल आइडेंटिटी, लैंड एंड रिसोर्स राइट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अपनी कमिटमेंट दिखाते हुए हम देख सकते हैं। त्रिपुरा मोथा पार्टी त्रिपुरा वासियों के बीच काफी पॉपुलरिटी प्राप्त कर रही है, क्योंकि ये इंडिजिनस लोगों के सपनों को समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं। उनका ये भी मानना है कि वे विभिन्न समुदाय को एक पार्टी के तहत एक साथ लाना चाहते हैं और सकारात्मक बदलाव के लिए एक मंच तैयार कर रहे हैं। जैसे ही त्रिपुरा के पहाड़ियों पर सूरज डूबता है, त्रिपुरा मोथा पार्टी इंडिजिनस लोगों के लिए आशा के प्रतीक के रूप में खड़ी होती है और अधिक अवसरों के साथ उज्ज्वल भविष्य का वादा करती है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करना। हम बाय।